नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 29 मई को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव के पास मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू के मूसेवाला की हुई सनसनीखेज हत्या मामले में पहले शूटर की गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम है सौरभ और महाकाल, उसे पुणे से गिरफ्तार किया गया है। अभी खबर आ रहा है, इस मामले में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कोई शार्प शूटर यानी कि मारने वाला अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। ये सौरभ वाला शार्प शूटर है जिसे कि गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इसमें पहले बात आई थी कि 8 शार्प शूटर हैं, जिसमें से कि 3 पंजाब के, 2 हरियाणा के, 1 राजस्थान के और 2 पुणे के रहने वाले बताए गए। हालांकि बाद में ये कहा गया कि 8 नहीं बल्कि 4 ही शार्प शूटर है जिन्होंने कि सिद्धू मूसेवाला को घेर करके अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, उसमें सौरभ भी था। और अब खबर आ रही है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक की कहानी जो निकल करके आ रही है, एक बात लगभग साफ होती जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसमें गोल्डी बराड़ का आम रोल है। और उसके लिए पंजाब पुलिस ने मांग किया है कि अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। रेड कॉर्नर नोटिस कैसे जारी किया जाता है कि वो तो कनाडा में बैठा हुआ है और हर देश में एक एजेंसी होती है, यहाँ पे भारत में वो एजेंसी जो इंटरनेशनल लेवल पे एजेंसी संगठन बना हुआ है इंटरपोल का, उसमें उसकी भागीदारी होती है, उसको रिक्वेस्ट करना होता है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए ताकि जहाँ कहीं भी वो दिखाई दे किसी भी देश में जो इसके सदस्य है उससे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो पंजाब पुलिस ने अपनी तरफ से ANI के हवाले से खबर आ रही कि ये रिक्वेस्ट कर दी है। इसका मतलब कि कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस से पूछताछ में इस बात को लास्ट में मान लिया था कि उसी के गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और इसमें गोल्डी बरार का अहम रोल है, उसी ने ही सब इंतजाम किया था। और अब खबर आ रही है कि पहला शार्प शूटर गिरफ्तार हो गया है। इसके पहले जहां से असली इसकी आप कह सकते हैं कि राज बाहर आने शुरू हुए वो है केकड़ा, संदीप उर्फ केकड़ा जो कि सिरसा का रहने वाला है, उसी ने ही मुखबिरी की थी 29 तारीख को। उसकी मौसी उसी मूसेवाला गांव में ब्याही है और बहन जो है वो बगल के गांव रामदत्ता में ब्याही है। लिहाजा चिट्टे का नशेड़ी ये केकड़ा जो है दोनों गांव में आता जाता था, गांव के लोग भी उसे जानते थे और वही मूसेवाला के घर पहुंचा था एक और साथी के साथ। 45 मिनट तक वहां रुका था, मूसेवाला के घर चाय पी थी, सेल्फी ली थी और उसी ने मूसेवाला के निकलते ही जो है फ़ोन कर दिया था कि मूसेवाला बिना सिक्योरिटी गार्ड के थार जीप से निकल रहा है। और उसी से ये राज भी और खुले थे कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने उससे ये काम कराए। उसको रिमांड पर ले करके पुलिस पहले गिरफ्तार किया, रिमांड कोर्ट में पेश किया, पूछताछ कर रही थी और अब खबर आ रही है कि एक की गिरफ्तारी हो गई है तो उससे राज सारे खुलेंगे। आपको बता दें कि इसमें 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, कोरोला और बोलेरो, और वो गाड़ी मुहैया कराने वाला जो है मंजीत बताया जाता है। तो अब धीरे धीरे कड़ी इसकी जुड़ती जा रही है, जैसे ही इसको लेकर के ताज़ा और अपडेट मिलेगा मैं आपसे साझा करूँगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।